करंट कैरिंग वायर एज अ मैग्नेटिक डायपोल। अब करंट कैरिंग वायर एज अ मैग्नेटिक डायपोल के अंदर आप ये देखो कि सपोज आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, तो मान लो ये आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है और इसके अंदर ये करंट जा रहा है आई। अब किसी ने कहा कि सर आपने खुद बताया कि एक करंट कैरिंग वायर एक लूप है और ये मैग्नेटिक तरह काम करता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। मैंने पूछा कि बी कैसे जनरेट करता है, उसने कहा आपने करवाया था रिंग के सेंटर पे बी, तो डायरेक्शन क्या है बी की, उसने कहा आपने बताया था चार फिंगर करंट के साथ घुमा लो तो बी कहां पर आएगा, वर्टिकली अपवर्ड्स। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? याद करो हमने किया था बैट सर्वेट लॉ में बी वेक्टर, सही है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक। तो उसने कहा ठीक है अगर ये मैग्नेट है तो क्यों ना ऐसा कर इसके पोल्स बता दो। मैंने कहा हाँ पोल बता सकता हूँ, एक साउथ है और एक नॉर्थ है, क्लॉकवाइज करंट जहां से दिख रहा है वो साउथ है और जहां एंटी क्लॉकवाइज है वो नॉर्थ है, सही है? उसने कहा ठीक है, इसका मतलब आप मानते हो कि एक मैग्नेट है? हाँ बिल्कुल मानता हूं। तो फिर वो कहते हैं निकालो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्या निकालना है इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालो, इसका एम वेक्टर क्या होगा। तो मैंने कहा ठीक है, डायपोल मोमेंट बार मैग्नेट में क्या किया था, हमने बार मैग्नेट में डायपोल मोमेंट को ऐसे कंसिडर किया था कि मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये पोल स्ट्रेंथ है और साउथ से नॉर्थ होगा और ये 2L होगा, तो कैपिटल M का फॉर्मूला क्या था, M इंटू 2L। अब प्रॉब्लम ये थी कि इसके अंदर हमें पोल स्ट्रेंथ गिवन थी, अगर मैं इसका एक पोल साउथ ले भी लूं और नॉर्थ ले भी लूं तो मुझे इसकी पोल स्ट्रेंथ तो अभी भी नहीं पता, तो मैं कैपिटल एम निकाल नहीं पाऊंगा इसका, राइट? तो करंट कैरिंग वायर अगर एक मैग्नेट है और उसका डायपोल मोमेंट अगर आपको निकालना है तो याद रखना करंट कैरिंग वायर का डायपोल मोमेंट निकालने का तरीका डिफरेंट है बार मैग्नेट से। क्या तरीका है? ये ऑब्जर्व किया है कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ना करंट कैरिंग वायर का, वो डिपेंड करता है इसमें कितना करंट है, जितना करंट है उतना बी है, जितना बी है उतना एम है, और वो डिपेंड करता है कितना एरिया, ये एरिया देख रहे हो, ये एरिया लूप का क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या है, ये पूरे का पूरा एरिया ए, तो डिपेंड करता है एरिया पे। तो यहां पर कॉन्स्टेंट वन आता है तो क्या आंसर आ गया कैपिटल एम का, करंट इंटू एरिया। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स इसमें दो तीन चार एन है तो बी भी एन टाइम्स हो जाएगा, एम भी कितने टाइम्स हो जाएगा, एन टाइम्स हो जाएगा। तो आप अपने फॉर्मूला रजिस्टर में ये दोनों डायग्राम बना के कैपिटल एम अगर बार मैग्नेट का आया तो अलग तरीका है और करंट कैरिंग वायर का आया तो डिफरेंट तरीका है। तो बार मैग्नेट का वो तरीका है, करंट कैरिंग वायर का ये तरीका है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक? ये दोनों फॉर्मूलास को नोट कर लें। और एक और चीज नोट कर लें, कैपिटल एम एक वेक्टर क्वांटिटी है। कोई मुझसे ये पूछे कि सर कैपिटल एम की डायरेक्शन क्या, मैं एक मिनट में बताऊंगा, साउथ से लेके कहां तक, नॉर्थ तक, बात खत्म। कोई पूछे इसमें बताओ क्या डायरेक्शन है, तो मैं देखने बैठ गया, देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैंने कहा चलो ठीक है लूप लेके आ, वो ले आया जी लूप, कहता जी ये लो जी मैं लूप ले आया। मैंने कहा देखूं जरा करंट कहां पर है, अच्छा क्लॉकवाइज है, अच्छा साउथ है, एंटी क्लॉकवाइज है, नॉर्थ है, तो साउथ से नॉर्थ, इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है, एक शॉर्टकट है कैपिटल एम निकालने का, तरीका तो यही है। शॉर्टकट देखो बड़ा कमाल का है, जहां पर आपकी चार फिंगर्स घूम रही हैं, करंट घूम रही है, थम ऊपर जा रहा है, वही आपका एम है। तो आपका जो एम वेक्टर होगा इसमें वो भी वही होगा जहां पर कौन होगा, बी वेक्टर होगा। तो बी वेक्टर निकालने का, एम वेक्टर निकालने का तरीका क्या रहेगा, डायरेक्शन का सेम। और इवन मैं तो ये भी कहूंगा एरिया वेक्टर निकालने का, एरिया में ए वेक्टर निकालने का तरीका भी एग्जैक्टली सेम। तो एक तीर से तीन निशाने हैं, दो दूसरे होंगे तीन है, कैसे, ये तीर है, करंट घूम रहे, चार फिंगर घुमा दो, थंब कहां पर है, ऊपर, यही बी, यही कैपिटल एम और यही एरिया वेक्टर, सेम रूल है इसमें। क्लियर है एरिया वेक्टर कैसे आएगा?